राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के खिलाफ कांग्रेस के लेखराम साहू ने बिलासपुर हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। मामले में सरोज पांडे की ओर से 9 गवाहों की सूची और लेखराम साहू की ओर से 11 गवाहों की सूची पेश की गई है। आज हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, लिहाजा गवाही संभव नहीं हो सकी। अब जुलाई के पहले सप्ताह में सभी गवाहों की फिजिकल गवाही हो सकती है। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साहू ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि सरोज पांडे ने नॉमिनेशन के समय निर्वाचन आयोग से गलत शपथ पत्र दिया है। लेखराम साहू ने सरोज पांडे के निर्वाचन को निरस्त कर उन्हें निर्वाचित घोषित करने की मांग की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है, जिसके कारण से मामला जुलाई के प्रथम सप्ताह के लिए नियत किया गया है एवं उस समय की स्थिति के हिसाब से मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी एवं गवाहों को समन्स जारी किया जाएगा ताकि आगामी सुनवाई और गवाहों का परीक्षण प्रति परीक्षण नियत किया जा सके।